और वेलकम टू माय व्लॉग चैनल नीलम भानुप्रताप। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलम भानुप्रताप। सुबह के बज रहे हैं 4:15 हमारी ट्रेन है, तो मैं उठ के आई हूँ, अभी तो बहुत नींद आ रही है। तो पहले फटाफट रेडी हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे आगे का व्लॉग। और मैं उठ चुकी हूँ रेडी, मेरे कपड़े सूख रहे क्योंकि बारिश आ रही है। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो अब हम रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, नीलम भी रेडी हो चुकी है। तो अब हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए? रेलवे स्टेशन के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहे हैं, पापा हमें छोड़ने जा रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है मम्मा, बाय। तो अभी बजे 5:30 और आज बरसात जो है आई थिंक रात से ही चल रही है, देखिए पूरी बरसात ही बरसात आ रही है। अभी भी हमने लिया है एक जिम बैग और एक ट्रॉली बैग। अरे यहाँ आ रही है बहुत तेज बारिश। तो अभी हम पहुंच चुके हैं 5:53, हमारी ट्रेन है 6:13 पे। हर बार मतलब लेट हो जाते हैं, इसलिए इस बार जल्दी आए हैं। पापा लेट कर देते हैं हमेशा, और ये नीलम, मैं फास्ट करता हूँ तो अभी लेट हो जाते हैं हम, अभी इसलिए हम जल्दी आए हैं इस बार। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अबरोड। अब यहाँ से अब तब को गेस्ट हो ही गया होगा, अब रोड आया तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम आगे से जाएंगे माउंट आबू के लिए। तब देखते हैं यहाँ से कौन सा व्हीकल मिलता है हमको आगे जाने के लिए। अब पहुँच तो चुके हैं, लेकिन यहाँ बारिश इतनी हो रही है, छाता भी नहीं हमारे पास। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे बहुत जोर आ रहा है मेरा सूटकेस उठाते हुए। अब लपती अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? Drop in the ocean. अब हम आ चुके हैं माउंट आबू और ये इतने अच्छी फॉग और बारिश हो रही है। तो हम आ चुके हैं माउंट आबू, ऐसा लग रहा है कश्मीर है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आसपास। ये होटल देख लो, देख लो सब, देख लो बढ़िया रूम है। तो भूख भी लग रही है। हमने पहले सोचा है होटल जाने से पहले हम खाना खा लें कुछ, तो अभी हम ये मेनू डिसाइड कर रहे हैं। तो बरसात की वजह से वैसे भी गाड़ियां धीरे चल रही हैं। ये बता दिया। तो यहाँ पे मैंने तो ऑर्डर किया था प्लेन डोसा नाइट फूड, क्योंकि मुझे ये खाना था। इन्होंने ऑर्डर किया है मंचूरियन, तो भी खाते हैं। Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. हम आ चुके हैं रूम में, और रूम में बता देता हूँ आपको, ये रूम है और ये बेड काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इसको, मतलब पुराने टाइप में है। तो चलो देख सकते हैं, वॉशरूम है, ये टीवी, ये ड्रेसिंग जो है वो काफ़ी अच्छी बड़ी लंबी चौड़ी दी है। तो हम रेडी हो चुके हैं, मैं और नीलम दोनों रेडी हो चुके हैं, दोनों ने सेम ट्यूनिंग करी है, देखिए। और बाहर बहुत बारिश आ रही है, तो घूमने जाना है हमें, बाहर घूमने जाना है। आए हैं तो घूमने ही जाए ना, रुके के ये बोले थोड़ा रेस्ट करें, लेकिन रेस्ट क्या करना है जब अपन आए हैं बाहर, तो बाहर घूमना चाहिए, उनको रेस्ट करना था, लेकिन मैंने इनको मना किया रेस्ट करने के लिए। और अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने,
तो मिलते हैं बाहर। तो अब हम निकल रहे हैं, पहले मैंने बाल खुले रखे थे लेकिन बारिश हो रही है, कोई मतलब नहीं भीगेंगे, तो मैंने अब वापस बांध ली हैं। और अब देखते हैं ये हमको कहाँ लेके जाते हैं इतनी बारिश में। साइड तो पहले हमें रेनकोट लेना होगा क्योंकि हम रेनकोट लाए नहीं, यहाँ हो रही है बहुत बारिश, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए बारिश कितनी तेज हो रही है, होटल ये काफ़ी अच्छी है, मैं आपको थोड़ी बारिश हो रही है उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगी। बाहर हो रही है बहुत ठंड, और यहाँ से हम निकले हैं, ये है राजेंद्र होटल, आके दिखाऊंगी आपको। पहले हम निकलते हैं, अरे हो पहले हम जाएंगे मार्केट, फिर मार्केट जाएंगे, तो आगे मिलते हैं आपसे। यहाँ बरसात बहुत तेज आ रही है इसलिए हमने कपड़ों को तो छोड़ा है, रेनकोट लिया है यहाँ पे नीलम के लिए, और मेरे लिए भी मैं ले रहा हूँ ये एक रेनकोट। अच्छे 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 कपड़े लाए थे पहनने के लिए, कोई मतलब नहीं, अगर आपको यहाँ घूमना है तो आपको रेनकोट लेना ही पड़ेगा। हमने पहले ही अम्ब्रेला भी लिया था पर ये वर्क नहीं कर रहा है, तो और बाकी ये नॉर्मल रेनकोट लिया इससे अच्छे भी थे लेकिन उससे को लेने होगा मतलब नहीं, क्योंकि कल दो दिन बाद में निकलना तो वहीं तो काम नहीं आएंगे, घर पर रेनकोट पड़े हैं, हमने नॉर्मल लिया है ताकि हम आराम से घूम सके। हम आपको दिखाते हैं ऐसे लग रहे छोले बेचने वाले आए छोले वाले। हम रेडी, छाता लिया, रेनकोट लिए दो, हम निकलेंगे आगे। ऐसे ये जादू बन के घूम रहे हैं मैं हम ही नहीं सभी घूम रहे हैं, सभी देखिए यहाँ जादू बन के घूम रहे हैं, तो काफी, लेकिन ये भी एक अलग ही मौसम है, अलग ही एंजॉयमेंट है, अलग एडवेंचर है, तो ठीक है सब अच्छा होता है जो भी होता है, फिर हम ऐसा कब कर मतलब वो फील ले पाते, सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। ये देखिए इनकी ड्रेस, कपड़ों का मजा खराब हो गया यार, मतलब कपड़े लाए वो वेस्ट हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे अलग अलग कलर के रेनकोट लिया थे तो सही रहता, रोज बदल बदल के पहनना सस्ता पड़ता मेरे। हाँ तभी हम नेकी लेक पे हैं, और ये भी यहाँ पे भी बोटिंग बंद है क्योंकि यहाँ ओवरफ्लो हो रखा है पानी इसलिए। अब हम पहुंच चुके हैं नक्की लेक, और यहाँ से ब्लू ब्लू जादू दिखेंगे आपको अलग अलग कलर में। ये रही नक्की झील, बोटिंग अभी बंद है, नॉर्मल वाली बोटिंग चल रही है, मौसम इतना तगड़ा हो रहा है यहाँ पे, मजा आ रहा है, फोग बादल इतने अच्छे दिख रहे हैं ना यहाँ पे। यार नक्की झील मुझे बोटिंग करनी थी। अब हमारे एलियन वाले अवतार से अपने देसी अवतार में आ चुके हैं हम वापिस से। मुझे तो अच्छा नहीं लगा येल्लो येल्लो, अभी मैंने बैग में डाल दिया अपने। नक्की लेक घूम के घूमा तो क्या, नक्की झील में अगर कल बारिश रुक गई तो हम वापस आएंगे, पर देख दुखा के रील वगैरह बना के हम निकल रहे हैं वापस। वो देखो एलियन का ग्रुप जा रहा है, अब हम भी एलियन बन के निकलेंगे क्योंकि बारिश तेज हो चुकी है। इधर से निकालो ना, इधर हम आए हैं यहाँ बियर फूड हॉरर एंड सिनेमा देखने, देखते हैं कैसा है। अभी हम आए हैं एलियन डी सिनेमा देखने, सामान हमारे इधर रख के चले हैं, चलिए चलते हैं। क्लासेस ले लिए हैं और हम एलियन डी मूवीज देख, एलियन डी मूवी देखने आए हैं, हमारे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। तो हमने बनाए हैं एक गेम्स की टिकट, तो हम खेलेंगे गेम्स, फर्स्ट गेम हम स्टार्ट करने वाले हैं। अरे इधर से देखना, इधर से देखो, इधर से ये
रही है कहाँ बाइक, ये देखिए एंसेंट। अरे भगाओ भगाओ भगाओ, ओहो स्टंट मार रही है लड़की, क्या बात है क्या बात है। अभी कहने के कार वाला, मैंने कहा था गाड़ी वाला। It gets confusing when you say you love me and you say that we're just friends. We came in second aaye hain aur main 10th aayi thi. Tabhi khel rahe bowling, fantasy bowling. मैं इसमें सेकंड आया था, देखते हैं किस्म आती है। हाँ इनकी फोटो भी आ गई है। देखो मैं आया था फर्स्ट सेकंड नंबर, ये आए हैं 10th में से 10th। कैसा लगा? लेकिन चारों तरफ फॉग ही फॉग हो रहा है। हम बादलों के अंदर ही ये इसमें डालू पेंगे। से होटल में आ गए थे वापस से क्योंकि बरसात में भीग चुके थे हम, ऊपर से तो नहीं भीगे थे लेकिन मेरा शॉर्ट्स और इनके लोगो भीग चुका था। तो अभी हमने चेंज किया है वापस से और थोड़ा सा रेस्ट करके वापस हम खाना खाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको वहीं पे, पैदल पैदल जाएंगे। अब स्कूटी को यहीं रख दिया और पैदल पैदल जाएंगे। वो ये देखिए रात की 8:30 हो रखी है अभी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सुबह हो रही है। अभी 5-6 बजी है, इतना फोग है, कुछ भी नहीं दिख रहा आसपास। देखिए वो गाड़ी कहाँ जा रही है, उसके बाद दिखेगा ही नहीं कुछ, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है यहाँ पे। अभी बादल आसपास घूम रहे हैं, हमारे अंदर ही बादल के अंदर ही हम चल रहे हैं। बादल हमारे अंदर, हम बादल के अंदर। तो यहाँ हमने ऑर्डर किया है मेरी फेवरेट दाल मखनी, नान और छाछ एकदम। हाँ तो अब डिनर करके हम आ चुके हैं होटल में और आज के व्लॉग का एंड में मैं यही करूँ। आज दिन भर सुबह सुबह ट्रेवल किया, शाम को घूमे, बारिश के मज़े लिए रेनकोट के अंदर। तो आप देखिएगा माउंट आबू में कैसा क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के व्लॉग का मैं नहीं करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। Everybody needs a break right sometimes.